सरगोधा में मुस्लिम नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन, मरियम नवाज मतवालों से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद, कारकुनों का जोश खरोश उरूज पर। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एक माह में अडियाला जेल में होंगे, उनकी जायदाद भी कर्क होगी। इमरान खान को आइंदा इलेक्शन में भी कुछ नहीं मिलेगा। रानुआ पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा की पेशगोई, मंजूर बस्तान कहते हैं पहले कहा था कि नवाज शरीफ का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं, जल्द से करने से कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही हैं। सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है जो अदलिया की हैयत और अहलियत का फैसला करती है। मुस्लिम नून के खिलाफ किए जाने वाले इकदामात का हमें फायदा ही हो रहा है, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, किसी का एजेंडा लेकर नहीं चल रहे। मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कौमी तशख्स को मुतासर न करे। दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी, एफसी बलोचिस्तान का कोयटा, सिब्बी और कोहान के इलाकों में ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया गया, एक दहशतगर्द हलाक, 11 गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा और बारूदी मवाद की बड़ी खेप बरामद। भारतीय फौज की सरहदी दहशतगर्दी जारी, नक्याल सेक्टर पर एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बना डाला। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने तित्री नार गांव में शहरी आबादी पर मार्टर गोले बरसाए। भारतीय इश्तियाल अंगेजी में शहरी मोहम्मद फारूक शहीद हो गए, 3 जख्मी। पाक फौज का भी मुंह तोड़ जवाब, फायरिंग करने वाली चेक पोस्ट को निशाना बनाया। कराची की इशारे फैसल पर नशे में धुत नौजवान की सरेआम फायरिंग, नौजवान ने फायरिंग के फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। किसी में दम है तो पकड़ कर दिखाओ, कानून चिकन का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज। सूबाई वजीर दाखिला और आईजी सिंध ने वाकई का नोटिस ले लिया, मामले की रिपोर्ट तलब। कराची पुलिस ने नकीबुल्लाह और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को जाली करार दे दिया। बी क्लास रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी के मुंतजिम जज के रूबरू पेश कर दी गई। उधर नकीब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम, साबिक एसएचओ को पनाह देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। औरंगजेब खान ने शुएब शूटर को फरार कराने में भी मदद की। साबिक डीजीएलडीए की गिरफ्तारी का मामला, हदचीमा के मोबाइल और लैपटॉप को कब्जे में ले लिया गया, डेटा चेक करना शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब इमरान खान का शहबाज शरीफ और अफसरान की करप्शन का गठजोड़ बेनकाब करने का ऐलान, कहते हैं शहबाज शरीफ को डर है अहद चीमा खुद को बचाने के लिए करप्शन में सरकारी अफसरान के किरदार का फांदा न फोड़ दे। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मीडिया रिपोर्टिंग में बयानात को सियाको सबाक से हटकर दिखाया गया, कानून के दायरा कार में रहते हुए इजहार राय का हक इस्तेमाल किया। अदालत से शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के लिए सेनेट इंतखाबात में मसाइल बढ़ गए, सेनेट के कवायद व जवाबित भी कामयाब आजाद रुकन की शमूलियत के बारे में खामोश। मुंतखब होने वाले आजाद अराकीन की किसी सियासी जमात में शमूलियत की मुद्दत की कोई शर्त नहीं, आजाद हैसियत में जीतने वाले अपनी उसी हैसियत से सेनेट में जब तक चाहे बैठ सकते हैं, आजाद अरकान अपना पार्लिमानी सरबरा भी मुंतखब कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में वाटर कमीशन की समाअत, कमीशन ने तमाम फैक्ट्री मालिकान को जारी नोटिस निपटा दिए। फैक्ट्री मालिकान की फैक्ट्रियों के मुआयने में रुकावट ना डालने की यकीन दहानी, जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने पुलिस और सीपा हुकाम को फैक्ट्री मालिकान को हरासा करने से रोक दिया, समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 के दिलचस्प मुकाबले जारी, इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पिशावर जलमी से, जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, खुनकी में इजाफा हो गया। क्वेटा यूब समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे में बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और फाटा में मजीद बारान रहमत का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्। अफगान दल हुकूमत काबुल एक बार फिर दहशतगर्द हमलों से गूंज उठा, सिफारती इलाके में धमाका, हमले के नतीजे में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए, इमदादी कार्रवाइयां जारी। दुनिया भर में एहतजाज के बावजूद अमरीकी हठधर्मी बरकरार, ट्रंप इंतजामिया का इसराइल के यौम तासीस पर अलकुद्स में सफारतखाना खोलने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन ने सफारतखाने की तल अबीब से अलकुद्स मुंतकली के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब तफरी की सनत पर 64 अरब डॉलर खर्च करेगा, रवां साल तकरीबन 5 तकरीबात की मनसूबाबंदी कर ली गई। अमरीकी पॉप बैंड मॉडर्न 5 और कैनेडियन परफॉर्मर सर्गडो स्वेलन के प्रोग्राम शामिल। जनूबी कोरिया में सरमाए ओलंपिक्स के मुकाबले जारी, मेडल्स टेबल पर नॉर्वे बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान, सोने और चांदी के 13-13 जबकि कांसी के 11 तमगे नाम कर लिए, जर्मनी दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर मौजूद। अब मौसीकी इंसानों के साथ साथ परिंदों का भी शौक बन गई है, पियानो बजाने की माहिर मुर्गी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, ऐसी धुन छेड़ी के सुनने वाले हैरान रह गए। और एक्समैन की मिस्टेक नए रूप में आने को तैयार, जेनिफर लॉरेंस फिल्म रेड स्पैरो में बच्चों को अपना दिमाग और जिस्म हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का गुर सिखाएंगी। बस चंद दिन का इंतजार, फिल्म 2 मार्च को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।